सनातन धर्म की मान्यता के मुताबिक आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सहित सभी देवगण शयन को जाते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन योग निद्रा से जागते हैं, इसीलिए इसे देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। भोजपुरी अंचल में आज के दिन को देवठन कहते हैं, जो देवोत्थान का ही अपभ्रंश रूप है। विष्णु के शयन काल के चार मासों में विवाह आदि मांगलिक कार्य करना निषेध माना जाता है, लेकिन भगवान अच्युत के जगने के साथ ही आज से सभी शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। चार माह के वर्षा काल में संत महात्मा यात्रा करने से परहेज करते हैं और एक ही स्थान पर रहते हुए व्रत का अनुष्ठान करते हैं, जिसे चतुर्मास व्रत कहा जाता है। देवोत्थान एकादशी के दिन से ही संत महात्माओं के चतुर्मास व्रत का समापन होता है। मठ मंदिर और घरों में आज के दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह का भी आयोजन कराया जाता है। तुलसी के पौधे और शालिग्राम की ये शादी सामान्य विवाह की तरह ही पूरे धूमधाम से की जाती है। मान्यता है कि देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरे वल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं, इसीलिए इस आयोजन को देव जागरण के पवित्र मुहूर्त के स्वागत का आयोजन माना जाता है। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान विष्णु का आह्वान। मान्यता है कि उपवास रहते हुए संध्या समय नई फसल से भगवान को भोग लगाने से देव प्रसन्न होते हैं। आज के दिन स्वर्गलोक के सारे देवगण धरती पर भ्रमण के लिए आते हैं, इसलिए उनके स्वागत में दीप जलाए जाते हैं। यूं भी पूरे कार्तिक मास में दीपदान की प्राचीन परंपरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़।